आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे घर में जितने भी फूल वाले पौधे लगे हैं या शो वाले पौधे लगे हैं, तो उसमें कौन सा फर्टिलाइजर हम अभी डालें जिससे बारिश शुरू होते ही हमारे सभी पौधे दुगने तेजी से बढ़ने लगे और उसमें भर भर कर फ्लावर आने लगे और पौधा हमारा कलियों से भर जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी फूल वाले पौधे होते हैं उनके लिए आपको मिट्टी अच्छे से तैयार करनी चाहिए। आपको हमेशा काली मिट्टी लेना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गोबर खाद मिला देना चाहिए। गोबर खाद दोस्तों जो बहुत पुराना नर्सरी में मिलता है वही वाला गोबर खाद लेना चाहिए, क्योंकि पुराना वाला गोबर खाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे में डालते डालते उसके हरेपन को बढ़ा देते हैं। और उसमें दोस्तों थोड़ा सा धान की भूसी भी मिलाना चाहिए। धान की भूसी मिलाने से दोस्तों पौधा हमारा 4 गुना तेजी से बढ़ता है और जो उसकी रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से चलने लगती है और पौधा हमारा हरा भरा घना हो जाता है। अगर आपको फूल वाले पौधे में लगातार फूल चाहिए 12 महीने, तो आपको उसमें समय समय पर फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तभी जाकर आपके पौधे में फूल खिलेंगे और आपके पौधे भी बढ़ेंगे। अगर हम फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो हमारा पौधा भी नहीं बढ़ेगा और उसमें फूल खिलना भी बंद हो जाएगा। तो मैं आज आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसे अगर आप अपने फूल वाले पौधे में डालोगे तो आपको 100% उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, खाद डालने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा पौधा बहुत तेजी से बढ़ेगा और फूल भी उसमें 12 महीने आते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ फूल वाले पौधे निकाले हुए हैं आपको दिखाने के लिए। दोस्तों, जितने भी फूल वाले पौधे रहते हैं तो मैंने उसमें से कुछ फूल वाले पौधे निकाले हुए हैं और उसमें मैं आपको सारा काम करके बताऊंगी जिससे आपके पौधे में ज़्यादा फूल आएंगे और पौधा भी आपका हरा भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जो भी शो वाले पौधे रहते हैं उसमें भी ये फर्टिलाइज़र डालोगे तो वो अच्छे से काम करता है, लेकिन जो फूल वाले पौधे हैं दोस्तों उसमें तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे से काम करता है और इसे लगातार डालोगे तो ये फूल बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में देता है। तो दोस्तों, जितने भी फूल वाले पौधे रहते हैं उनको आपको हमेशा धूप वाली जगह में ही लगाना चाहिए, क्योंकि धूप में नहीं लगते हैं तो ये पौधे फूल देना बंद कर देते हैं और इनको सूर्य की प्रकाश अच्छे से मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल देते हैं। इन्हें दोस्तों 6 से 10 घंटे धूप की तो ज़रूरत होती ही होती है, तब जाकर ये अच्छे से खिलते हैं। और जो भी दोस्तों फूल वाले पौधे रहते हैं उसकी हमें समय समय पर कटाई झटाई करते ही रहना चाहिए। कटाई झटाई करने से क्या होता है, जो हमारी कलियां रहती हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में खिलती हैं और जो सूखे डंगार रहते हैं उन्हें हमेशा काट कर निकालते ही रहना चाहिए। बहुत से लोग कटाई झटाई करना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से फूल खिलना बंद हो जाता है और पौधा भी हमारा घना नहीं हो पाता है। अगर आपको पौधे को घना करना है दोस्तों तो आपको समय समय पर प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और गुलाब के पौधे में तो दोस्तों बिना प्रूनिंग किए गुलाब खिलता ही नहीं है और साइज़ भी छोटा होता ही जाता है, इसलिए हम लोग नर्सरी में सभी पौधों की कटिंग
करते ही रहते हैं और उसे हम लोग घना बनाते हैं। तभी तो नर्सरी में दोस्तों पौधा हमारा हमेशा घना होता है और हरा भरा होता है, और साथ ही साथ हम लोग फर्टिलाइजर भी इसमें डालते रहते हैं। और दोस्तों पौधों में पानी का तो खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप धूप में पानी डालते हो दिन में तो आपके पौधे जल्दी ही सूखने लगते हैं, इसलिए गर्मियों के समय में आपको हमेशा 4 बजे के बाद ही पानी देना चाहिए, तब पौधे हमारे अच्छे से रहते हैं। या फिर आप सवेरे के समय इसमें पानी डाल सकते हो। और गर्मियों में दोस्तों आप दिन में 2 बार इसमें पानी डालना चाहिए, क्योंकि तेज गर्मी के कारण हमारा जो गमले का मिट्टी रहता है वो दोस्तों जल्दी से सूख जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। और दोस्तों पौधे को लगाने से पहले आपको सही गमले का चयन करना चाहिए। अगर आपका पौधा छोटे हाइट का है तो आपको 10 से 12 इंची पॉट में लगाना चाहिए, और अगर आपका पौधा दोस्तों बड़े साइज का है तो आपको 14 इंची पॉट में लगाना चाहिए, और ध्यान से उसमें होल होना चाहिए। अगर ये होल नहीं रहेगा तो पानी हमारा अंदर से जम जाएगा और पौधा हमारा गलने लगेगा, इसलिए पानी को निकलने के लिए होल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने हर एक वीडियो में दोस्तों गमले के होल के बारे में बताती रहती हूँ, क्योंकि जो नए लोग रहते हैं उनको ये पता होना चाहिए। और बहुत से लोग तो बिना होल किए भी अपने पौधे को गमले में लगा देते हैं, हम लोग यहाँ नर्सरी में देखते हैं उनका पौधा एकदम गल जाता है, तो हम लोग बताते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं था, ऐसा भी होता है। और दोस्तों जो भी आपके गमले में पौधे लगे हुए हैं उसको आपको कोड़ाई करते ही रहना चाहिए। कोड़ाई करने से दोस्तों मिट्टी हमारी ऊपर नीचे हो जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए कोड़ाई तो हमें करना ही करना है, और हफ्ते में दोस्तों 2 से 3 बार हमें कोड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। और साथ ही देख लेना चाहिए अगर हमारा मिट्टी ज़्यादा चिपचिपा टाइप का हो गया है या फिर गीला हो गया है तो इसको चेंज करके फिर से नए मिट्टी में लगा देना चाहिए, क्योंकि पौधों में अगर दोस्तों ज़्यादा नमी हो जाती है तब भी हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और धीरे धीरे गलने लगता है। फर्टिलाइज़र डालने के लिए दोस्तों आपको ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट ले लेना है। वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह से नेचुरल फर्टिलाइज़र रहता है और पौधों में कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पहुंचता है, और नर्सरी में यह बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए आपको इसे ले लेना है। और लेने के बाद इसमें एक चीज़ और मिलाना है, वो है दोस्तों ये देखिए मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक को आपको इसमें मिला देना है। मस्टर्ड केक भी दोस्तों पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और पौधों में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसको दोस्तों ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाना चाहिए, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिला देते हैं तो पौधे हमारे जलने लगते हैं, इसलिए आपको देखना है अगर आपका पौधा छोटे साइज़ का है तो आपको एकदम छोटे चम्मच से आधे चम्मच के हिसाब से डालना चाहिए। अगर आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा है तो आपको छोटे चम्मच का 1 चम्मच डालना चाहिए, और इसको दोस्तों आपको मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद पौधे के चारों तरफ आपको डाल देना है। ये दोस्तों पौधों में डालेंगे तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और उसमें फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलेंगे। और इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप लंबे समय तक स्टॉक करके भी रख सकते हो, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, और अपने जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन सभी में डालेंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। ये दोस्तों 100 वाले पौधे में भी हम लोग खाद डालते हैं, और जितने फूल वाले पौधे हैं तो फूल वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप एक बार इसको अपने सभी प्लांट में डाल
डाल कर देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को आपको 10 दिन में एक बार अपने सभी फूल वाले पौधे में डालना चाहिए। और अभी दोस्तों बारिश का समय शुरू होने वाला है, तो इसको आपको सूखा ही डालना चाहिए, क्योंकि बारिश में अगर गीला खाद डालेंगे तो वो जल्दी दह जाता है और पौधों में अच्छे से काम नहीं कर पाता है। और जो भी पौधों में दोस्तों बीमारी लग जाती है, उसके लिए भी मैं आपको दवाई बताऊंगी, जिससे आपके पौधों में बीमारी नहीं लगेगी। इसी तरह दोस्तों, आपके घर में जितने भी फूल वाले पौधे हैं, आप इसी तरह फर्टिलाइजर डालिए और उसमें दवाई का स्प्रे करें। और दवाई के लिए दोस्तों, जो पौधों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वायरस फफूंदी लग जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में सोनाटा की 8 बूंदे डालना है और आपके जितने भी पौधे हैं उन सभी में स्प्रे करना है हफ्ते में एक बार, तो एक भी बीमारी नहीं लगेगी। और यही फर्टिलाइजर डालोगे तो आपके गमले फूलों से भर जाएंगे। आप एक बार अपने पौधे में डालकर देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि दीदी हमारे पौधे में कितने फूल आए हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह देते रहेंगे, ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। और तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार।